सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह बांदा पहुंचे, जहां सभी विभागों की समीक्षा और विकास कार्यों की प्रगति जानने के लिए मंत्री ने कई मीटिंगें की और कुछ चुनिंदा जगहों का निरीक्षण भी किया। वहीं बाद में सर्किट हाउस में मीडिया के सामने अपनी उपलब्धि गिनाते हुए मंत्री जी ने 91 तालाबों को भरने का दावा कर दिया, लेकिन जब मीडिया ने भरे हुए तालाबों की जानकारी चाही और मंत्री जी ने लिस्ट मांगी तो मंत्री जी भड़क गए और मीडिया पर हवा हवाई खबरें दिखाने का आरोप मढ़ते हुए तारीफ करने की नसीहत दे डाली। मंत्री जी, आपने कहा कि तालाब भरे गए हैं सिंचाई विभाग द्वारा, कौन से तालाब भरे गए हैं अभी? 91 तालाब भरे। कहाँ है वो तालाब, के नाम लिस्ट है कहीं, कहाँ कहाँ भरे गए? सूची हमारे अधिकारी उपलब्ध करा दें। ऐसा है, ये तो इन्होंने अभी 1 मई से भरे जाने, 15 मई तक, लेकिन इन्होंने जैसे जियो आते बहुत 91 तालाबों की सूची है तुम लोगों पर, जरा बताओ इन लोगों, बताओ योगी जी आप लोग। नहीं नहीं, गलत बात है, आप लोग हवा में सारी चीजें उड़ाते हो, गलत बात। बिल्कुल बिल्कुल, बताएं ना कहाँ कहाँ भर दिए गए, नाराज होने की कोई बात ही नहीं है। नहीं नहीं, नाराज नहीं, मैं सही बात कह रहा हूँ, मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, काम की प्रशंसा होनी चाहिए। तो 1 मई को भरे जाएंगे या अभी भर गए? अभी भर गए, 91 ये भर गए। वही मंत्री जी के दावे पर जब सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता से सवाल किया तो उन्हें सिर्फ 40 तालाबों को भरने का दावा किया। प्रखंड के अंतर्गत हम लोगों के पास नहरी कमांड में 410 तालाब है, 410 में से हम लोग 36 तालाब जो है अगासी पंप कैनाल के थ्रू भरवाते हैं। तो 36 के 36 जो अगासी पंप कैनाल के थ्रू भरवाते हैं, चूँकि हमारी पंप कैनाल कंटिन्यूस चलती है तो वो 36 आपको इन गर्मियों में पूर्णतः भरे मिलेंगे। और बाकी 410 में से 4 ऐसे तालाब हैं जो खरीफ की जब नहर चली थी तो भरवाया गया था, अभी भी उनमें पानी है तो वो लगभग 1.5 महीने चल जाएंगे। तो 40 तालाबों की ये स्थिति है। बाकी 410 में से 84 तालाब जो हैं वो हमारे पूर्णतः सूखे हुए हैं, तो उनको ग्राम पंचायत स्तर से जिला प्रशासन द्वारा भराने की कोशिश की जा रही है, वो लोग जिला प्रशासन वाले देख रहे हैं। और 274 जो तालाब हैं टोटल 410 में से, आउट ऑफ 274, वो उनमें आंशिक रूप से पानी है, उनमें हो सकता है 15-20 दिनों बाद वो भी धीरे धीरे सूखना शुरू। मंत्री और अधिकारियों के दावे के आगे बुंदेलखंड की जनता का हाल बेहाल है और वो पानी के लिए बेबस है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बांदा से जफर अहमद की रिपोर्ट।